हरियाणा के सोनीपत जिले में जहां जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है, वहीं अब इसके तार फरदाबाद से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फरदाबाद में सिलसिलेवार एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देर रात छांसा के रहने वाले एक युवक की जहरीली शराब पीने के चलते मौत हो गई। वहीं अभी तक आंकड़े की बात की जाए तो फरदाबाद में जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग की अभी तक नींद नहीं खुली। एक के बाद एक जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वह पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से फरदाबाद में 4 युवकों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है, अब पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। 31 तारीख को रात को इन्होंने ये ड्रिंक करी थी, तो ड्रिंक करने के बाद अगले दिन 1 तारीख को इनकी तबीयत खराब हुई, जिससे इन्होंने सोचा भाई थोड़ा हैंग ओवर हो गया होगा। तो अगले दिन इनका दोस्त है वो इनको हॉस्पिटल लेके आया, जिससे इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। और फिर यहाँ हॉस्पिटल में जाए, जिससे इनके दारू में पॉइजन बताया गया। दारू में पॉइजन बताया गया जी। संजीव नाम का लड़का छाइसा का, उससे इन्होंने दारू खरीदी थी। अच्छा। क्या करते थे, क्या काम है? पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो कोई दारू अवैध थी, क्या थी, किस तरीके से थी? ये तो नहीं पता जी अवैध थी कैसे थी, वैसे पता जी संजीव नाम के लड़के से ली थी और उन्होंने ड्रिंक करी। 2 बंदे थे साथ में जिन्होंने करी थी, दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों एक्सपायर? दूसरे कब एक्सपायर हुए थे? वो एक दो दिन पहले। क्या नाम था उनका? चरण सिंह नाम था जी। नहीं सर, गाँव का था। कहाँ के रहने वाले थे आपके जो है? ये रामगढ़ के रहने वाले थे जी, कलायत, तहसील कलायत, डिस्ट्रिक्ट।